प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रगति मैदान रे भारत मंडपम ठारे सप्तम भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 रो उद्घाटन करिसेंति। ए कार्यक्रम समय रे प्रधानमंत्री देशर शिक्षानुष्ठान गुडी को 105G यूजलेस कैब्स प्रदान करिसेंति, लैब्स प्रदान करिवे। अक्टोबर 27 रु 29 पर्यंत हेबाकु थिबा इंडियन मोबाइल कांग्रेस हेउची एशियार सर्वबृहत टेलिकम मीडिया एवं टेक्नोलॉजी फोरम। टेली जोगाजोग एवं प्रजुक्ति विद्यारे भारतर अविश्वसनीय अग्रगति को आलोकित करिबा, गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिबा एवं सेमानंकर अभिनव उत्पाद एवं समाधान प्रदर्शन पई ए कार्यक्रम एक प्लेटफार्म भाबरे कार्य करिवो। आईएमसी 2023 रे प्राय 5000 सीईओ स्तरर प्रतिनिधि, 230 उपस्थापिका, 400 स्टार्टअप एवं अन्यान्य हिताधिकारी समेत 22 देशर एक लक्ष रु अधिक अंशग्रहणकारी जोगदेवे। दो हजार चौदह में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लियर विजन नहीं था। पिछले 10 वर्षों में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री स्कैम और लिटिगेशन से बाहर आकर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बन गई है। आज भारत को दुनिया में 5G के फास्टेस्ट रोल आउट के लिए पहचाना जा रहा है। आज भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट 70 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज दुनिया के बड़े देशों में सबसे सस्ती डेटा सर्विसेज भारत में उपलब्ध है। आज देश में लगभग 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 10 वर्ष पहले भारत में इस्तेमाल हो रहे 98% मोबाइल फोन इंपोर्ट होते थे, आज 98% भारत में मेक इन इंडिया भारत में बने। आवर विजनरी प्राइम मिनिस्टर, एवरी जनरेशन नीड्स अ विजन दैट इंस्पायर्स इट टू डू ग्रेट थिंग्स। यू हैव गिवन माय जनरेशन एन एस्पिरेशनल विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर कंट्री इनटू विकसित भारत। इफ एनीवन वांट्स टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हाउ अ डेवलप्ड इंडिया इज बीइंग बिल्ट, ऑल दे शुड डू इज कम टू द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। Sir, you have kept yourself young at heart, thought and actions. Just like the youth, you embrace innovation, welcome change and challenge the status quo. You are always working on using the latest technology that can improve the lives of our people. The best example of it is India's digital public infrastructure, which has been internationally praised. Millions of youngsters like me are inspired by your work in making Digital India a means to build a more innovative, inclusive and sustainable world. Last year, you challenged us to make India a global leader in 5G technology. Your challenge energized us, and what we have achieved has stunned the world. We at Jio unleashed the fastest rollout of 5G technology witnessed anywhere in the world, deploying a 5G cell every 10 seconds. Jio has installed over 10 lakh 5G cells across all 22 circles of India. जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।